आज हम बात करेंगे रोटी हुई गर्लफ्रेंड को कैसे मनाएं। तरीका नंबर पहला, जिस बात पर भी आप दोनों का झगड़ा हुआ है उस बात को आराम से बैठकर दोबारा डिस्कस करें। दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। सारी बातें सुनने के बाद जिसकी भी गलती हो उसे मानकर माफी मांग ले। सच बोलना हमेशा फायदेमंद होता है। तरीका नंबर दो, बात करते समय ये ध्यान जरूर रखें कि बहस की स्थिति न बन पाए। किसी भी मुद्दे पर बहस करना नुकसानदायक हो सकता है। गलती मानना ही काफी नहीं है, आपके पार्टनर को इस बात का एहसास कराना भी जरूरी है कि आपको वाकई उस बात के लिए पछताना पड़ रहा है। तरीका नंबर तीन, अपनी गर्लफ्रेंड को ये बताएं कि वो आपके लिए कितनी खास है और आप इस रिश्ते को जिंदगी भर प्यार और ईमानदारी के साथ निभाना चाहते हैं। गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर उससे ये बातें कहें कि बहुत असरदार हो जो आप जानते हैं और हमेशा बोलते हैं। तरीका नंबर चार, बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें कहें जिससे आपकी गर्लफ्रेंड अपना गुस्सा भूल कर हंस दे। आपको मजा के अंदर आपकी गर्लफ्रेंड को मनाने में बहुत कारगर साबित हो सकता है। तरीका नंबर पाँच, इसी बातें कहने से बचे जो आपकी गर्लफ्रेंड को बुरी लग सकते हैं। आप चाहे तो डिनर का प्लान बनाकर उसे सरप्राइज भी दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपकी गर्लफ्रेंड को आपकी ये अदा पसंद आएगी और वो अपना गुस्सा भूल जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और ये घंटी का बटन भी दबाकर क्लिक कीजिए ताकि हमारा नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।